बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इया कनाबदो व इया कनस्ताइन। सबसे पहले मैं स्कर्दू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में यहां आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खान, मैं सबसे पहले आपको, आपके जितने वजीर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट और आप सब ख्वातीन और हजरात, आपके लिए पहले मैं अपना नजरिया बयान कर दूं। मेरा नजरिया यह है कि कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया। फिर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहां भी बड़े बड़े फासले हैं, वहां भी कनेक्शन नहीं है, उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके और वहां गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके, वो भी पीछे रह गए। फिर अंदरून सिंध भी पीछे रह गया। फिर हमारा सारा जो पहले कबायली इलाका था जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है वो भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, ये राजनपुर, ये सारे इलाके जितने, वो भी पीछे रह गए। तो मेरा सबसे पहले अब सबके सामने मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि जो मेरा तसव्वुर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में, ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशरा पछाना नहीं जाता अपने अमीर लोगों की जिंदगी को देख के, माशरा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। जब 2013 में पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो पख्तूनख्वा उस वक्त वॉर ऑन टेरर, वो जो जंग में सबसे ज्यादा तबाही पख्तूनख्वा में हुई थी और वो सबसे गरीब पीछे चला गया था, क्योंकि वो जंग की वजह से तजारत भी खत्म हो गई, जो पुलिस थी जो तहफ़ देती लोगों को, इतने ज्यादा कुछ 700 पुलिस वाले शहीद हो गए कि वो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लोगों की क्या करते। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अपनी हुकूमत पे पख्तूनख्वा का फख्र हुआ कि 2013 और 18 के बीच में UNDP की रिपोर्ट है कि जिधर जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। तो मेरी अब कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं इनकी आप जिंदगी भी ऊपर उठा सकें। तो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले बड़ी खुशी
से आप सबको ये बयान करता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज हुई है स्कर्दू की, कि पहले तो ये एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ये स्कर्दू के लोगों ये आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आज बात याद रखना, वक्त साबित करेगा कि इस स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। मैंने नौजवानों, मैंने इस उम्र में तकरीबन सारी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह देखी हुई हैं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका के अंदर सफारी पार्क्स, तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, इसलिए कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। अभी तक लोगों को पता नहीं है इसका, इसलिए आपको नहीं पता लोगों को क्योंकि यह आना मुश्किल है, लोगों को आना पड़ता था बाहर से, पहले वो इस्लामाबाद आए या कराची आए और उधर से फ्लाइट पकड़ के स्कर्दू, और फिर मौसम खराब तो फ्लाइट नहीं आई, बहुत मुश्किल था आना। अब जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मैं पहले पेशन गोई करता हूं कि सबसे पहले आएंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो अपनी छुट्टियां और गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारते थे और जगहों पे, खास तौर पे जो यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं, मैं जानता हूं कि उन्होंने सब ने जब उनको पता चला कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं यहां, आप देखेंगे कि किस तादाद के अंदर आपसे बाहर से भी आएंगे लोग और अंदर से भी। ये सड़क ठीक होने से, और ये जो सड़क है मैंने 30 साल पहले इस पे सफर किया है और मुझे पता है कि ये कितनी खतरनाक सड़क थी, लोग जाने से पहले एक दूसरे को ऐसे खुदा हाफिज कहते थे कि पता नहीं शायद देखेंगे भी या नहीं उनको, बड़े बड़े। और मैं इस सड़क में खास तौर पे NHA मुराद सईद आपकी मिनिस्ट्री को और FWO, मैं उनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इतनी मुश्किल और खतरनाक सड़क जिस तरह आपने बनाई है और जो बिल्कुल फासला अब खत्म हो गया, यानी जो 8 घंटे लगते थे अब 3 घंटे में लोग यहां से गिलगित पहुंच सकते हैं, और आज मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं FWO के वो जो फौजी थे जिन्होंने शहादत हुई सड़क बनाते हुए, और जिस तरह आपने जिन हालात में वो सड़क बनाई और जिस तरह, तो FWO और NHA, मैं आपको वाकई आज सारे लोगों की तरफ से, ये सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि टूरिज्म ये कितना बड़ा पाकिस्तान का असासा बन सकता है टूरिज्म। अब स्विट्जरलैंड ले लें, स्विट्जरलैंड आधा है गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में, और सिर्फ स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर है। अब लोगों को नहीं समझ आएगी 70 अरब डॉलर क्या है, ये समझें कि जो पाकिस्तान सारी साल की एक्सपोर्ट करता है वो 30 अरब डॉलर है, वो सिर्फ टूरिज्म से 70 अरब डॉलर बनाते हैं, और वो आधा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। और जो स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से जो लोग इधर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कई मैं जानता भी हूं, वो खुद कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि
खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में है, इसका मतलब क्या? गर्मियों के अंदर, गर्मियों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपने हमारे सारे बाकी गर्म इलाकों से, पंजाब से, सिंध से, पख्तूनख्वा से, गर्म इलाकों से आप देखेंगे कि यहाँ किस तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि अब सड़क आपकी बहुत आसान हो गई है। और फिर आगे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया, आगे भी जो हम अब कनेक्ट कर रहे हैं गिलगित ये सकर्दू को और आज़ाद कश्मीर से, रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, वो भी आगे सड़कें बन रही हैं। तो जितनी जितनी आसानी होती जाएगी आपकी टूरिज्म बढ़ती जाएगी, एयरपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगी। और जब अगर स्विट्जरलैंड 70 अरब डॉलर बना सकता है सालाना टूरिज्म से, तो यहां तो गर्मियों में भी टूरिज्म और सर्दियों में भी टूरिज्म। और सर्दियों में कौन सी टूरिज्म? स्कीइंग। जो स्विट्जरलैंड है वो स्कीइंग से ज्यादा पैसा बनाता है। और मुझे खुद ऑस्ट्रिया से उनका रिजॉर्ट्स का जो एक्सपर्ट है, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया अब इधर देख रही है, क्योंकि वहां गर्मी मौसम की तब्दीली की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वहां बर्फें ज्यादा जल्दी पिघल जाती हैं। तो क्योंकि यहां इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो सर्दियों में इधर आके स्कीइंग करें। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, सड़क भी आपकी ठीक हो गई, आगे भी सड़कें बनी हैं कनेक्टिविटी की वजह से, और कनेक्ट कर देगा बाकी आजाद कश्मीर, रास्ता भी छोटा हो जाएगा इस्लामाबाद से। तो आगे मैं अभी आपको, चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी जमीन का अब आपने ध्यान रखना है। बाहर से लोगों ने आके आपकी जमीन खरीदनी है और पैसा, क्योंकि यहां गुर्बत ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा देंगे आपको जमीन के लिए। इसलिए ये बड़ा सोच सब, क्योंकि जमीन कम है यहां, आपको इस जमीन की जरूरत पड़ेगी, इसको रिजॉर्ट्स बनाएंगे। देखिए, रिजॉर्ट का मतलब क्या है? घर के साथ अगर आप एक कमरा बना देते हैं, बाहर से टूरिस्ट आता है, वो कमरे में ठहरता है, हाँ उस घर का फायदा हो जाता है, लेकिन असल पैसा खर्च होता है जब टूरिस्ट आके रिजॉर्ट में रहता है। और ये दुबई में, पाकिस्तान से लोग दुबई जाते हैं रिजॉर्ट के लिए, हालांकि इस मुल्क में हर किस्म की रिजॉर्ट बन सकती है। तो हमने यहाँ रिजॉर्ट्स बनानी है, और वो जो जमीन खालिद खान आपने मुझे अभी दिखाई है, उसको रिजॉर्ट के लिए रखें, ताकि वहां से जिसको हाई एंड टूरिज्म कहते हैं, जो आके ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, अगर स्विट्जरलैंड 70 अरब बना सकता है डॉलर, तो हम इतना बड़ा इलाका हमारे पास, अगर हम सोच समझ के अब चले तो हम कम से कम 30-40 अरब डॉलर बना सकते हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म से। पख्तूनख्वा की इलाहदा है, फिर हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे पास गंदारा सिविलाइजेशन है, दुनिया से बुद्धिस्ट आ सकते हैं, हमारे पास हिंदुओं के लिए जबरदस्त चार उनके बड़े जबरदस्त जगह हैं, जैसा कटास राज पे है, हमारे पास सूफीज्म के लिए बड़े बड़े जगह हैं, दरगाहें हैं, जिधर दुनिया आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास सारा इलाका पड़ा है, समुंदर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अभी हमने कुछ नहीं किया, और अब हम प्लान कर रहे हैं कि वहां रिजॉर्ट्स बन सकती हैं। तो अल्लाह ने इस मुल्क को जो नेमतें बख्शी हैं, अभी तक तो हमने उन किसी नेमत का फायदा ही नहीं उठाया अभी तक, टूरिज्म का, अपने इलाके का, अपनी खूबसूरती का। तो इंशाअल्लाह ये जो आज मैं खास आया हूं यहां, मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहां, इंटरनेशनल टूरिज्म भी, लोकल टूरिज्म भी, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। और मुझे पता है कि यहाँ लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं, तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे, यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए, इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। अब मैं दो और बातें करना चाहता हूं कि यहां मुझे पता है बिजली का बड़ा मसला है,
और इसलिए हमने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो भी आपने चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। और दूसरा मुझे ये भी पता है कि इतने दूर दराज इलाके हैं आपके कि बड़ा मुश्किल है ज़िला का हेडक्वार्टर एक जगह और दूर दूर लोगों से आना पड़ता है, तो चीफ मिनिस्टर साहब आप मुझे रिकमेंड करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए आपकी मदद करते हैं और ज़िले बनाने के लिए ताकि लोगों की आसानी हो। और दो और चीज़ें ये इस वक्त पे, क्योंकि सारी दुनिया में महंगाई है, आपको पता नहीं, आप बाहर से देखते नहीं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। सारी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाए गए, उनकी वजह से सारे सप्लाई लाइंस रुक गई, यानी तजारत ख़त्म हो गई, चीज़ों की कमी हो गई और चीज़ें महंगी हो गई, तो एक सारी दुनिया में महंगाई है इस वक्त। तो इसलिए हमने अनाउंस किया अपना एहसास राशन कार्ड, तीन चीज़ों के ऊपर, आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से, आज के दिन से शुरू हो रहा है सारे पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ सेहत कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपको पता है कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, यानी हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। ये हम सारे शुरू कर रहे हैं, पख्तूनख्वा में सबसे पहले हुई, अब पंजाब में अगले महीने से शुरू हो रहा है, 3 महीने में सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में, चीफ मिनिस्टर साहब हम हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, ताकि आप किसी वजह से आपको अगर घर में बीमारी हो और पैसा ना हो, ये आपका खौफ नहीं होना चाहिए कि पैसे ना होने की वजह से गरीब घरानों में इलाज नहीं करवा सकते। अब हर घराने के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं भी जाके आप अपना 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेंगे। और स्कॉलरशिप्स, मैं खालिद खान आपको ये बताऊं कि हमने ये फैसला किया कि सबसे बेहतर तरीका अपने कमज़ोर तबके को, घरानों को ऊपर उठाना, कि हम उनको अच्छी तालीम दे सकें, टेक्निकल एजुकेशन दे सकें, वो हुनर सिखा सकें उनको, क्योंकि जैसे ही एक ख़ानदान में एक हुनर सीखता है तो वो अपने सारे ख़ानदान को उठा सकता है। तो पहले तो हमने जो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है 20 लाख ख़ानदानों के लिए शुरू में, जो सब गरीब 20 लाख ख़ानदान हैं, कामयाब पाकिस्तान, इसमें हर वो जो नीचे ख़ानदान है, जो गरीब तरीन है 20 लाख, उनके लिए पहले तो 5 लाख तक कर्जा सूद के बगैर उस ख़ानदान को, एक फ़र्द को मिलेगा, अपने शहर में कोई काम कर सकता है, और अगर देहात हो तो अपने किसान अपनी ज़मीन के ऊपर 5 लाख रुपया लगा सकता है सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उसको टेक्निकल एजुकेशन, हुनर सिखाएंगे, एक फ़र्द को, एक को कर्जे, एक को हुनर। फिर घर बनाने के लिए 27 लाख रुपया कर्जा सूद के बगैर मिलेगा, ताकि वो अपना घर बना सके। और फिर जो सारे हमने बाकी स्कॉलरशिप्स दी हैं सूबों में, हमारे सूबों ने और हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं, जो 60 लाख हैं, 60 लाख सारे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स दी हैं। और ये इसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर क्या होगा कि मेरिट पे दी जाए, हम खुद सिर्फ ये देखेंगे कि मेरिट पे दी जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक ऑनलाइन के ऊपर हमारा वेबसाइट नंबर आएगा, कोई भी नौजवान जो पढ़ना चाहता है और उसकी काबिलियत है और वो समझता है कि
उसके पास पैसे नहीं है माँ बाप के पास, वो अप्लाई कर सकता है। और हमारी, मैं खुद मॉनिटर करूंगा कि मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप्स मिले, जो डिजर्व करते हैं लोग उनको मिले। आखिर में मैं स्कर्दू के लोगों आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में आ जाए, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और आपको आज मुबारक देता हूं कि ये जो सड़क बनी है और ये जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना है, इससे इंशाल्लाह ये अल्लाह ने आपको जो खूबसूरती दी है, यहाँ स्कर्दू एक ऐसा इलाका है कि किसी साइड पे भी आप चले जाएं, मुमन ये होता है कि अच्छा ये इलाका है तो सिर्फ शुमाल में चले जाओ या मगरब में चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ। और मैं ये सारे इलाके में गया हूँ, कहीं दुनिया में इस तरह की इतने इलाके के अंदर खूबसूरती नहीं जो आपके इलाके में है। और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इस खूबसूरती से टूरिज्म कितनी आएगी और फिर आपको कितना फ़ायदा होगा, ये वक्त साबित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।